हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मसाला पुलाव, जो बिरयानी से भी टेस्टी लगते हैं और बहुत कम समय में बनके तैयार हो जाते हैं। तो इसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो आइए अब हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बासमती चावल। यहाँ मैंने एक गिलास चावल लिए हैं। आप अपने घर में किसी भी बर्तन से नाप कर ले सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस कटोरी या गिलास से चावलों को डालेंगे उसी से मेजर करके पानी डालेंगे। अब हम सबसे पहले इन चावलों को 4-5 बार धो लेंगे, जब तक कि ये अच्छे से साफ ना हो जाए। मैंने इन्हें धो लिया है और इन चावलों को पानी में डालकर 15-20 मिनट तक रख दिया है। जब तक हमारे चावल भीग रहे हैं, तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने कुकर को गैस पर रख दिया है और हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच तेल। आप तेल की जगह पर बटर या देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। घी से पुलाव बहुत टेस्टी बनते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, जीरा। अब इन सबको अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि जीरा हमारा पक ना जाए। जीरा पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हींग। अब हम ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, जिन्हें मैंने पहले ही इस तरीके से लंबा काट लिया था। इसी के साथ हम बाकी सब्जियां भी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ हम डालेंगे कटे हुए आलू। अब हम डालेंगे हरी मटर। अब हम डालेंगे टमाटर। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक से टमाटर जल्दी से पक जाते हैं। गैस को हमें लो फ्लेम पर रखना है और जब तक पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। कुकर को हम इस तरीके से प्लेट से ढक देंगे, जिससे हमारी सब्जियां हल्की सी पक जाए। हम प्लेट हटाकर इन्हें बीच बीच में चलाते रहेंगे। सब्जी हमारी हल्की सी पक चुकी है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, सौंफ। सौंफ से चावल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं डालूंगी पाव भाजी मसाला और इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम ऐड करेंगे कटा हुआ धनिया। अब मैं इसमें डालूंगी चावल, जिनको मैंने पहले भिगो कर रख दिया था। उनका पानी मैंने निकाल दिया है और चावलों को इसमें डालकर मिक्स कर लूंगी। चावलों को हल्के हाथ से ही मिक्स करना है, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गए हैं, टूट सकते हैं। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। हम पानी उसी गिलास से करेंगे जिससे हमने चावल लिए थे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हम नमक। नमक हमें कम ही रखना है, क्योंकि हम पहले टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए डाल चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च और इन सबको अच्छे से मिक्स करके कुकर में 1 विजिल आने तक का वेट करेंगे। 1 विजिल आ चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब हम कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने देंगे। कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम इसके ढक्कन को खोलेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम चावलों को हल्के हाथ से इस तरीके से नीचे से ऊपर पलट देंगे, ताकि अंदर जो भी स्टीम बाकी है वो भी निकल जाए और हमारे चावल ओवर कुक ना हो। हमारे ये चावल एकदम खिले हुए बने हैं। अब हमारे ये चावल पूरी तरह से बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें दूसरे किसी कंटेनर में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।